हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके स्टॉक्स कार्ट चैनल पे। ये हमारी ट्रेड रिपोर्ट वीडियो होने वाली है। ट्रेड रिपोर्ट वीडियो हम लोग की आज बहुत सुंदर होने वाली है। निफ्टी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बने थे, बैंक निफ्टी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बने थे। सारे अपॉर्चुनिटी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी जो था हमारा बैंक निफ्टी में, वो हमें दिख रहा था हमारे जो मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी 9:15 वाली, उसमें आज हमारी ऐसा लेट हुई थी। उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब पे। आप आकर हम यूट्यूब पे आप अगर सर्च मारोगे तो वीडियो आपको वहां पे दिख जाएगी। उसके बाद हमारे देखो सेकंड ट्रेड हमारी बैंक निफ्टी में यहाँ पे बनी थी। एक हमने एक यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड हमने किया था। मार्केट देखो तो सुबह से क्या था, मार्केट सुबह से एक सेलिंग आ रही थी। मार्केट में थोड़ा सा रिटेस्टिंग होते हुए मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करते करते मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है एक दोबारा तो मार्केट में हमें एक पुट की पोजिशन यहाँ पे दे देगा। तो हमने यहाँ पे एक पुट की पोजिशन बनाई, हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली। इस वाले कैंडल्स ने हमें यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था, इस वाले कैंडल्स ने हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली। तो हमने यहीं पे एकदम एग्जैक्ट एंट्री बनाई। इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्लान की है, इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, तो वो भी आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो। ये दो ट्रेड्स हमारे यहाँ पे, पहले ट्रेड तो हमारा ऐसा लिट हुआ, दूसरे ट्रेड में हमारे यहाँ पे जो भी लॉसेस था वो रिकवर होकर के ज्यादा हम लोग वहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट में आ गए थे। और तीसरी वाली जो यहाँ पे ट्रेड बनी थी, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक कप एंड हैंडल आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा होगा मार्केट में। यहाँ पे इस कैंडल से हमें यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक, हमें यहाँ पे क्या दिया था, हमें एक बड़ा क्लोजिंग दिया था हमने। तो इस कैंडल्स पर हमने क्लोजिंग नहीं की, हमने थोड़ा सा रिटेस्टिंग का वेट किया। तब मार्केट ने जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया तब हमने यहाँ पे वेट किया। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, सर मार्केट तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था सर, तो आपने यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे बुल्स मुझे हावी होते हुए दिख रहे थे, एक बड़ा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, एक बड़ा बड़ा। तो यही ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट इसे ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, और मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट में एक सिंगल रैली के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखा है। हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल दिख रहा था और 363 पॉइंट्स के टारगेट हमें मिले, मतलब 1:3.5 के 1:3.5 हमें बहुत इजीली तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला है। निफ्टी में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बने थे। निफ्टी में पहला अपॉर्चुनिटी क्या था, बैंक निफ्टी का जो हमारी जो मॉर्निंग की जो स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या देखा, 50% के लेवल्स के नीचे मार्केट क्या कर रहा था, नीचे ही ट्रेड कर रहा था। नीचे जैसे ट्रेड करने के बाद इस डे लो के आज का जो डे लो था यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वाला, तो यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग मिला कन्फर्मेशन क्या था, ये सब रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था और हमें रेजिस्टेंस के नीचे हमें क्लोजिंग भी दिया। मार्केट क्लोजिंग देने के बाद थोड़ा रिटेस्टिंग करने गया 50% के लेवल पे और फिर से मार्केट जब यहाँ पे हमें क्लोजिंग दिया दोबारा, तो मार्केट में एक सिंगल रैली के साथ हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, 57 पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो कि बहुत यूज प्रॉफिट आपको यहाँ पे निफ्टी में भी हुआ हुआ। अब बैंक ने फिर से निफ्टी में एक और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, निफ्टी में भी कुछ इस तरह से यहाँ पे कप और यहाँ पे एक हैंडल बना था। क्लोजिंग यहाँ पे बहुत डिसेंट क्लोजिंग मिली, हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, मार्केट रिटेस्ट किया सेम लेवल पर। देखोगे तो मार्केट सेम लेवल पर रिटेस्ट किया, यहाँ से कंटिन्यू ट्रेंड। अगर आपने यहाँ तक भी खींच दिया होता, अगर निफ्टी में आपने अगर यहाँ तक भी खींचा होता इस रेजिस्टेंस तक 62 पॉइंट्स तक में, तो यहाँ पे 1500 का एक लॉट पे प्रॉफिट बनता है। उसके बाद प्रॉपर जिसने पूरा पूरा खींचा है तो उसमें 3000 से लेकर के 4000 के आसपास की यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। तो मतलब डे एंड आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर मिला करके आपका डे एंड होना चाहिए था आपका मिनिमम 8000 के आसपास का आपका डे एंड होना चाहिए था। ठीक है, अब जो है ना मैं आप लोगों के लिए मंडे से क्या करूंगा, मैं आपको मंडे से एक चीज करने वाला हूँ कि आपको जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला जो लेवल्स है ना, वो मैं आपको जैसे आज भी ये ट्रेड रिपोर्ट वीडियो ना मंडे से, वो मैं उसी टाइम आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट वाले लेवल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उसे जगह के प्रॉपर तरीके से बैक टेस्ट कर सको कि सर ने यहाँ पे क्यों दिया इस लेवल्स पे और मार्केट में यहाँ पे ऐसा क्यों रिएक्शन हुआ था। ठीक है, हमारी कोर्सेज भी लॉन्च चुके हैं, जो भी हमारे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, जो भी इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे मार्केट में जो ट्रेड करता है, मार्केट में टप्पे खाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पे टारगेट देता है, सपोर्ट पे टारगेट देता है, वो अगर वो सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हो। सारे लिंक्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा।